बच्चों बारिश का सीजन है, ऐसे में मच्छर मक्खियां तो हैं ही, लेकिन कॉकरोच सबसे ज्यादा परेशान करते हैं। कॉकरोच बहुत सारी चीजों को खराब करते हैं, बहुत सारी बीमारियां फैलाते हैं। अगर हमें कहीं कॉकरोच दिख जाता है, उसके आसपास जो हमारा रखा हुआ सामान है उसे खाने का भी मन नहीं करता, और जो केमिकल वाली हम लोग दवाइयाँ डालते हैं उससे कई बार स्मेल बहुत आ जाती है। तो इस कॉकरोच के लिए होममेड कोई घरेलू असरदार ऐसा DIY बनाते हैं जिससे कॉकरोच की प्रॉब्लम बिल्कुल खत्म हो जाए। और बच्चा लोग कैसे हो, चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। तो सबसे पहले इस कॉकरोच को भगाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया एक प्याज। प्याज को हम कट कर लेते हैं। अगर आपके घर में प्याज नहीं आता किसी वजह से, तब उसके बदले आप विनेगर ले सकते हैं आधा कप। यहाँ मैंने प्याज को ग्राइंड कर लेती हूँ मिक्सी में, या फिर आप ग्रेट करके भी इसका जूस निकाल सकते हैं। मैंने इसे ग्राइंड कर लिया और इसका पूरा रस निकाल दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच भर के बेकिंग सोडा, 1/2 चम्मच बेकिंग पाउडर। ये सारी चीजें इसमें डालने से रिएक्ट होगा और ये बहुत ज्यादा फूल जाएगा। अब हम थोड़ी देर से मिलाते रहेंगे और वेट करेंगे, इसे पानी डालकर मिक्स करते जाएंगे, एक सॉल्यूशन बनाएंगे। ये बहुत ही पावरफुल होता है। यदि हमें स्प्रे वाला बनाना है, जैसे कहीं भी हमें स्प्रे करने में आसानी हो, तब आप ये वाला बनाइए। लेकिन हर जगह हम स्प्रे भी नहीं कर सकते, तो इसके लिए मैं दूसरा मेथड भी आपको बताने वाली हूँ। और हाँ बच्चों, बारिश के दिनों में आपको कॉकरोच से, मच्छर से, मक्खी से या चींटी से किससे ज़्यादा परेशानी होती है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद जैसे इसकी जो झाग है कम हो जाती है, हम इसे छान कर एक स्प्रे बॉटल के अंदर डाल देते हैं। अगर आपको यहाँ भी कुछ गाढ़ा लगे तो आप छान सकते हैं। आपको जब भी कॉकरोच दिखें, गैस के नीचे या डस्टबिन के आसपास या जहाँ भी आपको कॉकरोच दिख रहे हैं, आप स्प्रे कीजिए और सारी रात इसे छोड़ दीजिए। सुबह आप देखेंगे काफ़ी सारे कॉकरोच मर जाएंगे बाहर निकल के, और यहाँ पर खत्म हो जाएगी कहानी इनकी। और हाँ बच्चों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करना टोटल फ्री है। और ये सॉल्यूशन आपको काफी लंबा या काफी ज्यादा नहीं बनाना है, मतलब 1-2 बार आप स्प्रे कीजिए, उसके बाद वापस से आपको नया बनाना है, क्योंकि प्याज की स्मेल खत्म हो जाएगी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा का काम खत्म हो जाएगा, तो ये काम नहीं करेगा। तो इस बात का खास ख्याल रखें। लेकिन कई जगह आपने नोटिस किया होगा हम स्प्रे नहीं कर सकते, तो उसके लिए दूसरा ट्रिक भी फॉलो कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ आपको वो मेथड जो कि आप इसे डालकर छोड़ दें और आप देखेंगे जैसे ही वो इसको खाएंगे वो फौरन मर जाएंगे। यहाँ मैंने लिया सादा गेहूं का आटा, जो कि हमारे रोटी बनती है घर में। उस गेहूं के आटे को हमने 4 छोटे चम्मच ले लिए, 4 से 5 चम्मच, और मैंने इसमें डाल दिया 1 चम्मच पिसी चीनी। पिसी चीनी या शक्कर का बूरा जरूर डालिए, गेहूं और शक्कर से अट्रैक्ट होके वो जरूर इसे खाएंगे। अब जो इन्हें बिल्कुल पसंद नहीं, जिससे ये मर जाते हैं, तो वो हम चीज डालेंगे इसमें 4 चम्मच भर के बोरिक एसिड। बोरिक एसिड वो होता है जो कि बच्चे लोग जब कैरम बोर्ड खेलते हैं तो उसे चिकना करने के लिए एक पाउडर डाला जाता है। बोरिक पाउडर हम चावलों में भी डाल के रखते हैं जिससे उसमें कोई कीड़ा ना लगे। साल भर, 2 साल तक चावल बिल्कुल खराब नहीं होते, ये पहले मैंने आपको ट्रिक बताई थी। तो वही बोरिक पाउडर हमें चाहिए, किसी भी केमिस्ट शॉप पर आपको मिल जाएगा। आप उसमें 4 से 5 चम्मच दीजिए और इसे आप पानी से गूंथ लीजिए। ऐसा डो बनाइए, बहुत टाइट भी ना हो, बहुत ज्यादा लूज भी ना हो। इसका डो बनाने के बाद इसके छोटी छोटी गोलियां बना दीजिए। छोटी छोटी गोलियां बन जाएं, बस अब आप इन गोलियों को वहीं रखिए, ड्रॉवर में, दराज में, ऐसी जगह रखिए जहां इसे खाकर ये लोग मर जाएं। जहां आपको लगता है फ्रिज के नीचे कॉकरोच कहीं भी ऐसी जगह आते हैं, वहां आप इन्हें रख सकते हो। इस डो को जैसे अभी नरम है ना, सॉफ्ट सा है, आप कहीं भी चिपका भी देंगे ना, अगर वहाँ पे कॉकरोच आकर इसे खा गए तो वो मर जाएंगे। बहुत ही अच्छा है। बस खास ध्यान आपको ये रखना है, बच्चों के सामने गोली ना रखें और अंदर की तरफ रखें, जिससे क्या हो कि वो बाहर ना दिखे और बच्चों को बिल्कुल भी ना दिखे। बस कॉकरोच खा के इसे मर जाएं, यही हम चाहते हैं। तो 2 चीज़ें हैं आपके लिए, जो भी आप ट्रिक फॉलो करना चाहेंगे वो बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। थोड़े थोड़े दिनों में आप फटाफट इसे दोबारा बनाकर यूज़ कर सकते हैं।
पसंद आए लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली को।